जय करो कालका माई का, जय करो वीर बजरंगे। जौहर व्हाइट हाउस के एमडी एवं भाजपा वरिष्ठ नेता संतराम शर्मा द्वारा आने वाली 17 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी के पिंजौर आगमन पर उनका स्वागत करने को लेकर निरंतर बैठकों के माध्यम से लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में शनिवार को पिंजौर बिटना रोड विश्वकर्मा कॉलोनी शिव मंदिर में संतराम शर्मा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में पहुंचने पर संतराम शर्मा का स्थानीय लोगों ने फूल बुके देते हुए और गले में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री आने वाली 17 जुलाई को पिंजौर एचएमटी सेब मंडी का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके लिए आप सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करने के लिए पिंजौर एचएमटी सेब मंडी में पहुंचे। वहीं शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि तुरंत प्रभाव से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, जिसको लेकर कालका एसडीएम ऑफिस में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खुला दरबार लगता है, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं आप वहां पर जाकर हल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की ओर से 17 जुलाई को सेब मंडी में पहुंचने के लिए लोगों के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था भी करवाई जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति को आने जाने की सुविधा की आवश्यकता हो तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निर्मल उर्फ पम्मी कोहली, जसबीर सिंह, रीना सैनी, श्याम सैनी, विनोद सैनी, शीलू शर्मा, पदम शर्मा सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जय करो कालका माई का, जय करो वीर बजरंगे। आज मंदिर में आकर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई और बहनें और बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार, तीसरा दौरा है उनका, और अभी बने उनको लगभग दो महीने बने हुए हैं। आप सभी जो है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये देख रहे हैं कि वो जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उन्होंने जो है डीसी एसडीएम को आदेश दिए हुए हैं और दरबार लग रहे हैं। कालका में भी 9 से 11 एसडीएम साहब का दरबार लग रहा है, और आप जाके देखना अगर आपको मौका मिले या आपकी कोई समस्या हो, और मौके पे ही सभी समस्याओं का निदान भी हो रहा है। और जो डीसी साहब के लेवल की समस्याएं हैं, डीसी साहब भी दरबार लगा रहे हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर रखे हैं। और आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि भी जिनके पास पंचायत की जगह के ऊपर मकान बना हुआ है, उन सब को जो है रजिस्ट्रियां कराई जाएंगी सरकार की तरफ से, और वो जो है मालिक बन जाएंगे अपनी जगह के। ये जो घोषणा है ये गांव के लिए है जहां पंचायत है, और जो शहरी क्षेत्रों में जिनके पास अपना मकान नहीं है और वो काफी अरसा से यहां हमारे रह रहे हैं, चाहे वो किराए पे रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए, वो उनको 30 गज का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, हरियाणा सरकार से दिया जाएगा, ऐसा आज मीडिया में आया है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसे फैमिली है, गरीब फैमिली, जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है, कृपया करके आप उनकी सहायता कीजिए, उनका फार्म भरवाने की सहायता कीजिए, और जो भी आपके रिश्तेदार
या गांव में आसपास के हमारे सगी संबंधी हैं जिन्होंने पंचायत की जमीन में घर बनाया हुआ है और 20 30 40 साल से उनकी रिश्ते नहीं हो रही, तो आप उनको ये खुशखबरी जरूर दीजिए और उनको कहिए कि आप जो है अपनी जमीन के आपके मकान के आप मालिक बन जाएंगे। और इसी के साथ मैं हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि 17 तारीख को 11 बजे जो हमारी HMT फैक्ट्री थी वहाँ 100 एकड़ में एक फैक्ट्री जो मंडी बनाई जा रही है, जो कि सब्जी मंडी भी होगी और एप्पल की मंडी भी है, सेब की, तो ये 100 एकड़ में है लगभग, बहुत बड़ी मंडी है। और इस सब का आप लोगों को ये लगता होगा कि पता नहीं हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजौर को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिमीदार अपनी सब्जी लेकर आएगा। अब जो सब्जी आप खरीद रहे हैं वो पहले तो सेक्टर 26 मंडी में जाती है, वहाँ रात को वो जाती है बासी है, सुबह आपको जो है रेडी वालों से फड़ी वालों से वो आपके पास पहुँचती है और उसका दाम जो है खर्चे डाल के दो दो तीन तीन गुना बढ़ जाता है। यहाँ आपके पास जो मंडी लगने जा रही है इसमें लोकल जिमीदार होंगे, बाहर के जिमीदार भी डायरेक्ट अपनी फसल लेके आएंगे और आप डायरेक्ट जिमीदार से खरीद सकते हो। जैसे जिमीदार का टमाटर 20 रुपए किलो बिकता है वो हमें 40-50 रुपए किलो मिलता है मार्केट में, लेकिन जब जिमीदार लेकर आएगा आपको 20 रुपए किलो ही मिलेगा। तो इसका जो है आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। हमारे तो बिल्कुल नज़दीक है, अभी कालका मंडी लगती है सवेरे 5 बजे, उसमें पहाड़ी क्षेत्र जो है हमारा परमाणु का, इसमें लोकल जिमीदार आते हैं सब्जी लेके, वो सब्जी हमें बड़ी सस्ती मिलती है, तो ये सारी सब्जी आपको बहुत सस्ती मिलेगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और उनका मिलनसार व्यक्तित्व देख के हैरान रह जाएंगे, जिस तरह से वो मिलते हैं लोगों को, तो आपको जो है उनको सुनना चाहिए और हो सकता है हमें भी पंजौर के लिए कुछ कालका के लिए कोई सुधार दे के जाएं। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप 17 तारीख को आपके घर में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और सनातन धर्म में हमारा वैसे भी हम जो है अतिथि का बड़ा सत्कार करते हैं, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर पहुँचें। जिसको कोई प्रॉब्लम होएगी आने जाने की वो भी हमने व्यवस्था कर रखी है, यहाँ से भी गाड़ी चली जाएगी, आप में से कोई भी आदमी जो है, मेरा नंबर है आपके पास व्हाइट हाउस में से भी गाड़ी चलेगी और यहाँ भी हम गाड़ी भेज देंगे, तो आप कृपा करके जरूर आए। धन्यवाद।